हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। मैं दिव्य ज्योति चैनल के जो हमारे दर्शक हैं उन सभी लोगों को सब परिवार मंगल कामना के साथ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसका लाभ आपको मिल सके। आज आप सभी लोगों को शनि की महादशा या अंतरदशा में क्या जो है शनि जो है फल देता है, आपको क्या फल देता है और किस तरह के जो है विजय दिलाता है, सम्मान दिलाता है और किस तरह से जो आपको हानि पहुंचाता है, किन किन परिस्थितियों में क्या फल देता है शनि अपनी महादशा या अंतरदशा में, आइए आप लोगों को मैं बताता हूं। शनि की कुंडली में बलवान होने पर धन, मान, प्रताप, इज्जत, प्रसिद्धि आदि फल प्राप्त होते हैं। कब? जब शनि अपनी कुंडली में बलवान। शनि की कुंडली में निर्बल या शुभ होने पर चिंता, कष्ट, रोग और संबंधियों से जुदाई, झगड़ा, क्लेश आदि फल प्राप्त होते हैं। कब? जब शनि की मदशा या अंतरदशा। आपको ये बतला दें कि शनि जो है मकर, कुंभ व तुला राशि का होने पर धन धान्य में वृद्धि होता है और विजय प्राप्ति होती है, जातक को ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो है वृद्धि और प्रसन्नता प्राप्त होती है जातक को। धनु और मीन राशि का होने पर राज्य से सम्मान तथा जनता में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस राशि का होने पर जो मदशा शनि की हो, अंतरदशा हो, तो मेष राशि में हो तो मेष राशि का होने पर त्वचा रोग, संबंधित और संबंधियों से क्या जुदाई होती है। वृष राशि में होने पर राज्य से सम्मान, वायु पीड़ा, झगड़ा और क्लेश होता है। मिथुन राशि में होने पर कष्ट, चिंता, ऋण का चढ़ना होता है और कर्क राशि में होने से आग, कान के रोग और धन की कमी, रिश्तेदारों से पृथकता होती है। सिंह राशि में होने से आर्थिक संकट, रोग, क्लेश आदि फल मिलते हैं। कन्या राशि में होने से मकान, जमीन का लाभ, सुख प्राप्ति होता है। वृश्चिक राशि में होने पर आर्थिक संकट, यात्रा और नीचता को और झुकाव इत्यादि फलों की प्राप्ति होती है। राहु यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो कर्क, वृष, कन्या, धनु राशि में हो तो तीसरे, छठे, ग्यारहवे भाव में हो तो शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उसकी महादशा व अंतरदशा में राज्य शासन से उच्च पद, पुत्र, लाभ, धन प्राप्तता, लाभ, कल्याण, उत्साह में वृद्धि, आकस्मिक प्रसन्नता एवं लाभ होना इत्यादि शुभ फल प्राप्ति होता है। ये जो है शनि की अंतरदशा और महादशा में यदि कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ हो तो उसकी जो है महादशा या अंतरदशा में आकर्षक हानि, कला, कलेश, स्वजन वियोग, कष्ट, रोग, आकस्मिक पदच्युत से दुर्घटना आदि अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। केतु यदि कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो केंद्र, त्रिकोण हो या लाभ भाव में हो तो शुभ ग्रह से जो है शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी महादशा या अंतरदशा में भूमि, धन, धान आदि का लाभ, स्त्री पुत्र से सुख मिलता है तथा कई प्रकार के लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। यदि केतु अशुभ स्थिति में हो तो छठे, आठवें, बारहवें भाव में हो तो रोग, अपमान व धन धान की हानि, स्त्री पुत्र की पीड़ा और जो है औन्नत, झगड़ा, कलह, कलेश, अचानक किसी भयंकर रोग से ग्रसित होना, सज्जनों से वियोग एवं आकस्मिक दुखद जो है घटनाओं का होना इत्यादि अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप में जो भी हमारे दर्शक हैं दिव्य ज्योति चैनल को देख रहे हैं उन सभी के लिए मंगल कामना के साथ सपरिवार जो है स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति के लिए भाव विश्वास से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोगों से मैं कहता हूँ एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उसके बाद जो है आप लोग एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखें और मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँचे। हर हर महादेव।